अगर आप चाहते हैं अपने लैपटॉप की बैटरी को मॉनिटर करना तो बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर आप लोगों के लेकर आया हूं। बहुत सारे लोग जो है बैटरी की परसेंटेज को जाकर बार बार जो है सेटिंग में चेक करता हूं कि कितनी परसेंट बैटरी रह गई, या फिर क्लिक करने के बाद जैसे मैं माउस यहां पे लेकर जाऊं तो ये मेरी बैटरी की कंडीशन बताएगा कि इस वक्त मेरे पास 51% जो है मेरी बैटरी चार्ज है और 3 आवर्स 2 मिनट्स जो है वो मजीद चलेगी, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप जब चार्ज पे लगाते हैं बैटरी को, खास तौर पे बैटरी अगर आप लाइव अच्छी रखना चाहते हैं, तो ओवर चार्ज करने की वजह से बैटरी आपकी खराब होना शुरू हो जाती है। खास तौर पे 90% 95% केसेस में ऐसी होता है, अगर आप बैटरी का ख्याल नहीं रखते, उसको ओवर चार्ज करते हैं तो उसी वजह से उसमें खराबी आना शुरू होती है। तो मैं आपको बताऊंगा, बड़ा जबरदस्त सॉफ्टवेयर है ये, सॉफ्टवेयर से आप अपनी बैटरी को इजिली मॉनिटर कर सकते हैं और उसके ऊपर आप लिमिट भी लगा सकते हैं कि इतना परसेंट पे पहुंचे तो आपको पता लग जाए। खास तौर पे आपको मैं दिखाऊंगा कि आपने कोशिश करनी है कि 90-91% से इसको ऊपर नहीं रहने देना, ताकि जब आपकी बैटरी 90-95 पे पहुंचे तो आप जो है इसको आपके पास ऑटोमेटिकली एक अलार्म जो है वो बीप होगा और आपको पता लग जाएगा कि आपकी बैटरी जो है इतने परसेंट 91% पे लेट्स सपोज पहुंच गई है, तो आपने फौरन अपनी बैटरी चार्जर को रिमूव कर लेना है। तो इससे आपकी बैटरी की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और आपकी बैटरी चार्ज भी अच्छा करेगी, डिस्चार्ज भी अच्छा करेगी और आपको अच्छी टाइमिंग देगी। तो बड़ा जबरदस्त यूजफुल सॉफ्टवेयर होना चाहिए, होने वाला है ये वाला आप लोगों के लिए, बैटरी लिमिटर के नाम से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा इसका, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इसको, ठीक हो गया। मैं इसको आपको जो है डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसके कुछ फीचर्स बताऊंगा जिससे आप फायदा उठा सकते हैं कि बैटरी लिमिटर एक वाकई में बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तरह का सॉफ्टवेयर है और क्या क्या इसके फायदे हैं। मैक्सिमम लिमिट तो मैंने आपको बता दी है, उसकी मैक्सिमम लिमिट तक ये पहुंचेगा तो आपको बीप देगा, आपको अलार्म बज जाएगा कि आपकी बैटरी जो है लेट्स सपोज 91 पे अगर मैंने सेट किया हुआ तो 91 पे पहुंचते आपको अलार्म बीप की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाएगी, तो आपने अपनी बैटरी को डिस्चार्ज कर देना है, सॉरी बैटरी चार्जर को रिमूव कर देना है ताकि आपकी बैटरी जो है वो हार्म होने से बचे, बैटरी खराब ना हो और बैटरी की लाइफ भी जो है वो अच्छी रहे। तो इस सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे, ज्यादा बड़ा सॉफ्टवेयर नहीं है, 1.1 MB का सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो बस ये इंस्टॉल हो जाए तो फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने जबरदस्त फीचर हैं इस सॉफ्टवेयर के, और फ्री सॉफ्टवेयर सबसे बड़ी बात, फ्री में आप इसको जो है वो यूज कर सकते हैं और इसके फीचर से फायदा उठा सकते हैं। लोअर लिमिट भी लगा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आपके पास आपकी बैटरी 10% 20% जब पहुंचे तो आपका पता लग गया तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। मैं बता दूं किस तरीके से आप इसको जो है वो यूज कर पाएंगे। ये फिलहाल की फाइल जो है वो डाउनलोड हुई है, उसके बाद आपने सेटअप को इस तरीके से इंस्टॉल कर लेना है जैसे मैं आपको इंस्टॉल करके दिखा रहा हूँ। आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से इसको यूज करेंगे और क्या इसके फायदे हैं। ये इस वक्त मेरी सिस्टम में जो है वो इंस्टॉल हो रहा है, आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे। जैसे ही मैं इसको लॉन्च करता हूं तो ये आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, आपको जो है मैं इसको जो है वो प्ले कर लेता हूं। ये देखें आपको इस तरह का टूल बार नजर आएगा, बैटरी लिमिटर का जो लोगो है वो यहाँ पर आपको नजर आएगा, यहाँ पर आपने क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर लेना है। जैसे ओपन करेंगे तो आपके पास ये इस तरीके से शो होगा। लेट सपोज आपने आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी जो है वो 50% पे पहुंचे तो अलार्म बजे, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी बैटरी जो है मैक्सिमम माई बैट जस्ट लेट मी शो यू अगेन। जैसे मैं सेटिंग को ओपन करता हूँ, सेटिंग ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपने बजर कहाँ पे सेट करना है। ये लोअर लिमिट का बजर है, आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे यूज लो चार्जर बैटरी लिमिट, तो मैंने इसको जो है वो लेट सपोज इसको मैंने सेट किया हुआ 30 पे 30 तक जब मेरी बैटरी पहुंचे तो मुझे पता लग जाए कि मेरी बैटरी जो है वो डिस्चार्जिंग की तरफ है, काफी कम मेरी बैटरी रह गई तो मैं इसको चार्ज पे लगा लूं। अब आपने इसकी हायर लिमिट सेट करनी है, ठीक है। तो हायर लिमिट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरीके से आप करेंगे। आई थिंक मुझे जो है माइट भी अपना लैपटॉप रिस्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ था, आप लोगों को वीडियो दिखाने के लिए जो है मुझे इसको वापस से अनइंस्टॉल करना पड़ा, फिर मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तो ये थोड़ा सा मुझे सही से फंक्शन शो नहीं कर रहा, बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये लोअर बैटरी तो शो कर रहा है, मैंने इसकी 30 पर लिमिट सेट की हुई लेट सपोज, ठीक है। और फर्दर मैं इसको एक दफा फिर से रिस्टार्ट कर लेता हूं इस सॉफ्टवेयर को, लेट्स सी।
मुझे सॉफ्टवेयर में अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। मैं आपको लैपटॉप रिस्टार्ट करके वापस वीडियो में कनेक्ट करवाता हूँ। जैसा कि मैंने आपको कहा था, मेरी सिस्टम रिस्टार्ट करने के बाद आपको दिखाता हूँ, उसके कुछ फंक्शन सही से काम नहीं कर रहे थे, बट आपके पास ऐसा इशू नहीं आएगा क्योंकि आप लोग इसको फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होंगे। ये देख लूंगा आपके पास स्क्रीन सामने नजर आ रही खुली हुई बैटरी लिमिटर की, जहां पे आपको लो बैटरी की सेटिंग नजर आ जाएगी 30% में मैंने सेट की हुई लेट सपोज, और यहाँ पे मुझे मैक्सिमम मुझे कहाँ तक बैटरी मेरी चार्ज हो तो मुझे अलार्म सुनाई देना शुरू हो, तो मैं इसकी लिमिट कर देता हूँ 92 पे। तो इसका मतलब क्या है, मेरी चार्ज लिमिट 92% पे जैसे ही पहुंचेगा तो ये ऑटोमेटिकली जो है मेरे पास एक अलार्म बीप होना शुरू हो जाएगा, तो मैं अपनी बैटरी को रिमूव कर दूंगा, तो इससे क्या होगा मेरी बैटरी की हेल्थ अच्छी रहेगी। और सम हाउ लो चार्जिंग के लिए भी आप इसमें लिमिट सेट कर सकते हैं, मैंने 30% पे सेट की हुई है, 30% में जैसे पहुंचेगा तो मुझे पता लग जाएगा मेरी बैटरी लो है तो मैं इसको चार्ज पर लगा दूंगा। इस तरीके से आप अपनी बैटरी लाइफ को काफी अच्छा जो है वो रख सकते हैं। मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ चार्जिंग पर भी लगा के ये सॉफ्टवेयर जो है लाइव काम कर रहा है बैटरी की चार्जिंग के साथ के नहीं कर रहा। ये मैंने इसकी चार्जिंग लगा दी है, ठीक हो गया। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे जो परसेंटेज यहाँ पे शो कर रहा है चार्जिंग का 48% वही परसेंटेज यहाँ पे भी शो करेगा, तो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। तो इस सॉफ्टवेयर का फ्री में यूज कर सकते हैं, काफी सारे बेनिफिट्स हैं इसके, आपकी बैटरी की लाइफ भी अच्छी रहेगी और आपको जो है अलार्म भी सुनाई देगा जब आपके पास बैटरी की एक लिमिट एक्सीड कर जाएगी जो आपने सेट की हुई होगी, ताकि आपकी बैटरी जो है वो लॉन्ग लाइफ चले। उम्मीद है आज की वीडियो काफी यूजफुल रहेगी आप लोग के लिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फिर मैं तो नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।